हेलो एवरीवन, टुडे आई विल एक्सप्लेन क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर नंबर फोर व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेल्स अस। नाउ दीज आर द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा। जो अभी हम बुक्स रीड कर रहे हैं वो ऋग्वेदा के काल में कैसे डिफरेंट थी। So the answer is the books we use are written and printed. The Rigveda was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. So the book we use are written and printed. अभी जो book use कर रहे हैं वो written form में है, printed है। जो ऋग्वेद कॉल में थे लोग जो हाइम्स थी श्लोक्स थे उनको सुनते थे, उनको रिसाइट करते थे दूसरों से, और ये काफ़ी सेंचुरीज के बाद लिखी गई, कंपोज की गई, और ये 200 इयर्स पहले ही प्रिंट हुई है ऋग्वेदास। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम ब्यूरियल डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट whether there were social differences among us those who were buried। मतलब ये कैसे पता चलता है, क्या प्रूफ मिले हैं कि जो लोग ब्यूरियल साइट में दबाए गए हैं उनमें कोई सोशल डिफरेंट था रिच और पुअर का। सो द आंसर इज आर्कियोलॉजिक थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केल्टन प्रोबेबली बिलोंग टू द डील डेड पर्सन। समटाइम मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम आर फाउंड इन वन ग्रेव एंड इन अनदर। In Brahmagiri, one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. Other skeleton have only a few quotes. These finds suggest that there was some differences in status among the people who were buried. Some were rich, other poor, some chiefs, other followers. So, the archaeologist से जो ऑब्जेक्ट्स फाउंड हुए हैं उनमें स्केल्टन्स मिले हैं, कंकाल मिले हैं डेड बॉडी के, कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उनके साथ। ब्रह्मगिरी में एक स्केल्टन मिला है जिस पर्सन के साथ उस ब्यूरियल साइट में 33 गोल्ड के बीड्स मिले हैं, मोती मिले हैं, 2 स्टोन मिले हैं, कॉपर की बैंगल्स मिली हैं, एक शेल मिला है, शंख मिला है, और दूसरे स्केल्टन के साथ बस कुछ पॉट मिले हैं। इससे प्रूव होता है कि लोगों के स्टेटस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, कुछ लोग रिच थे, कुछ पुअर थे, और कुछ चीफ थे, सरदार थे, और कुछ उनको फॉलो करते थे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ ए राजा वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दास और दासी। जो राजा की लाइफ थी वो कैसे डिफरेंट थी दास और दासी से। सो द फर्स्ट पॉइंट है, राजा डिड नॉट हैव कैपिटल सिटी palaces or armies, nor did they collect taxes. Generally, son did not automatically succeeded fathers as Raja. And second, these were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later, these term Dasa and the femines Dasi, ladies ke liye Dasi, come to mean slaves. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owner who could make them do whatever work they wanted. मतलब फर्स्ट पॉइंट में है, राजा के पास कोई कैपिटल नहीं होती थी जैसे आजकल होती है, उसके पास कोई सिटीज़ नहीं होती थी, पैलेसेस नहीं होते थे, उसकी पर्सनल आर्मी नहीं होती थी, वो कलेक्ट टैक्स नहीं करता था, और जो राजा का सन है वो ऑटोमेटिकली प्रिंस नहीं बन जाता था या राजा नहीं बन जाता था। सेकंड पॉइंट है, दीज वर पीपल हु डिड नॉट सैक्रिफाइस एंड प्रोबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। कुछ लोग वहाँ पे ऐसे थे जो कि सैक्रिफाइस नहीं करते थे, दान वगैरह यज्ञ नहीं करते थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। उनके लिए टर्म दास और दासी, स्लेव, सर्वेंट रखा गया है। स्लेव वो होते थे जो कि वार में कैप्चर कर लिए जाते थे, जिनको बंदी बना लिया जाता था, उनको फिर राजा अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर यूज़ करता था,
वो ओनर होता था राजा, और जो वे वर्क कहता था उनको करना पड़ता था। सो ये थे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। नाउ सम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑल्सो देयर। नेम द फोर वेदास एंड द आंसर इज द फोर वेदास आर ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द ओल्डेस्ट वेदा, वट वॉज इट कम्पोज, वेन वॉज इट्स कम्पोज एंड द आंसर इज द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा एंड इट वॉज कम्पोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। थर्ड इज वट डज द ऋग्वेदा कंटेन, ऋग्वेदा में क्या क्या है, तो ऋग्वेदा कंटेन हाइम्स कॉल्ड सुक्ता। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द थ्री गॉड मैंशनड इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में कौन कौन से गॉड को मैंशन किया गया है। द आंसर इज द थ्री गॉड्स वर अग्नि, इंद्रा एंड सोम। सोम मीन्स स्पेशल ड्रिंक। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 4। इफ यू लाइक माई वीडियो, इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू, you can like my channel, you can share with your friends, those who are not studying with you, those who are in other schools, and you can subscribe those who have not subscribed the channel. Thank you and have a nice day.